हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा पाँच की जो गणित की किताब है गणित ज्ञान, उसका चैप्टर है कितना सीखा 3। ये आपके लिए किताब की प्रश्न संख्या 106 पे मिलेगा। तो इस प्रश्नावली के लिए आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, सभी क्वेश्चन को आपको हल करके दिखाएंगे। वीडियो को फुल वॉच करें, पूरा वीडियो देखें और सभी सवालों को सही से समझें। तो करते हैं प्रारंभ, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहे हैं कि ये आपको अंक दिए गए हैं, तो 8 है, 0, 6, 0, 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखने हैं, जबकि 0 के अतिरिक्त कोई अंक दोहराया नहीं जाए। ये कह रहे हैं इसमें 0 तो जो दो स्थान पर है तो 0 दो जगह आ सकता है, लेकिन जो शेष अंक हैं वो दोबारा नहीं आना चाहिए, हमें इस प्रकार से संख्या लिखनी है। तो कितने भी अंक दिए हों, चाहे 6 अंक दिए हों, 7 दिए हों, 8 दिए हों, यदि ये पूछ रहा है कि उन अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी या सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो हमें क्या करना होता है उन अंकों के लिए। जब हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ती है तो अवरोही क्रम में हम लिख देते हैं, और उन्हीं अंकों से जब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी पड़ती है तो हम उसे आरोही क्रम में लिख देते हैं। अवरोही क्रम तो जानते ही होंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये आपकी जे अंक हमें दिए गए हैं, तो इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। कितनी है जो है 86,100, ये सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से बन सकती है, इससे बड़ी नहीं बन सकती। अब ये कह रहे हैं कि इन्हीं अंकों से जब छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, इन संख्या जो अंक दिए गए हैं इनके लिए हमें जो है आरोही क्रम में लिख देने हैं। आरोही क्रम में क्या करते हैं, अगर 0 दिए हुए हैं तो 0 से पहले जो सबसे छोटा अंक होता है उसको अंकित करते हैं, उसके बाद 0 लिखते हैं। ध्यान रखें यहाँ पर 1 नहीं होगा तो 2 अंकित करेंगे, जो भी संख्या हमें अंकों में दिया हो, 1 दिया है तो 1 के बाद 2 0, फिर 6 और 8, अर्थात सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये आपको जो अंक दिए गए हैं इनसे केवल सबसे बड़ी संख्या ये बन सकती है और सबसे छोटी संख्या ये 10,068 बन सकती है। इस तरह से हम ये सवाल हल कर लेंगे। अब इसका सवाल नंबर देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला। ये कह रहे हैं कि दी गई संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्त हमें ज्ञात करना है, जैसे काखंड दिया है और खाखंड दिया है, तो हमें क्या करना निकालना है, यहाँ से हमें इनका मासा निकालना है, महत्तम समापवर्त। तो पहला हम खंड हल करेंगे, महत्तम समापवर्त निकालने के लिए, मासा निकालने के लिए जो हमें संख्या दी जाती है उसका हमें फैक्टर करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है। तो इन दोनों संख्याओं में हम वो संख्या कम से कम देखेंगे कि जो अधिक से अधिक संख्या वो देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर सके। तो हमें एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका है इनके हम फैक्टर कर लें, गुणनखंड कर लें। जैसे हमने 32 के जो है जब फैक्टर हम करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अर्थात 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32, तो इस तरह से फैक्टर कर लेंगे। इसी प्रकार 48 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 48, तो ये हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, जब दोनों फैक्टर कर लेते हैं, जो भी संख्या दी है उनका फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना है, जो उनमें फैक्टरों में कॉमन होते हैं, ठीक है, कॉमन समान होते हैं, समान अंक होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके दो आप देख रहे हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 2, इसमें कॉमन है, समान रूप से है, तो वही संख्याएँ वही दो हम यहाँ पर अंक उतार लेते हैं, ये हमने कॉमन वाली संख्या यहाँ उतार लेंगे। फिर इनका क्या करेंगे, सभी का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 4 बार 2 है, तो 2 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो इसका जो आंसर आएगा वो आप देख रहे हैं 16 आंसर आ जाएगा। अर्थात 32 और 48 का जब हम मासा निकालते हैं तो 16 आंसर इसका आ जाएगा, और 16 से ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 32 व 48 काट सकते हैं, बराबर डिवाइड कर सकते हैं। इसका देखते हैं खाखंड।
ठीक है, अब हम देखते हैं इसका खाखंड। यह है 21 और 35, ठीक है, 21 और 35। तो 21 के लिए हम जब फैक्टर करेंगे के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 35 का इसी प्रकार करेंगे तो 5 गुणा 7 आ जाएगा। दोनों के फैक्टर कर लिए, 5 सत्ते 35 होता है और 3 सत्ते 21 होता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में जो हमें देखना है कि हमारे कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं आप इसमें 7 कॉमन है, वही संख्या हम जो कॉमन होती है, समान होती है, वही संख्या ले लेते हैं, वही उन संख्याओं का मासा कहलाता है। अर्थात 21 और 35 का जो मासा होगा वो कितना होगा, 7 होगा। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा सवाल। इसमें कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। यहाँ दो कंडीशन होती हैं। यदि सवाल में कहा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो वहां हमें क्या निकालना है, उन संख्याओं का मासा निकालने हैं। और यहाँ कहा जाए कि कम से कम बताओ, तो वहां हमें लासा लगतम समापवर्त निकालना होता है। यहाँ कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है हमें, यहाँ पर केवल इनका जो संख्याएं दी हुई हैं उनका मासा निकाल लेने। तो हमें क्या करना है, 15 का फैक्टर करेंगे, 30 का करेंगे, फिर 45 का करेंगे। हमने इनका फैक्टर किया, गुणनखंड किया, इसको 15 के लिए किया तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 30 के लिए करेंगे 2 3 6 6 5 15 6 5 30, ठीक है, 2 3 6 और 6 5 30 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 45 का, तो 3 3 9 और 9 5 45, इस तरह से हम फैक्टर इनके कर लेंगे। अब इसमें कॉमन आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, कॉमन एक तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये वाला देखो 3 है सभी में। उसके बाद आपका 5 है, तो 3 × 5 जो आपका कॉमन इसमें आ जाता है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 15 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या है कौन सी है, 15 है, जिससे ये तीनों संख्याएं बराबर विभाजित हो जाएंगी। इस तरह से ये सवाल हम हल कर लेंगे। इसका सवाल नंबर इसका चौथा देख लेते हैं। यहां कह रहे हैं कि एक टोकरी के फूलों से 18, 40 और 48 फूलों की मालाएं बन सकती हैं, ठीक है, और कोई फूल शेष नहीं बचता है, तो बताओ टोकरी में कम से कम कितने फूल हैं। यहां पर आ गया कम से कम, नोट कर लेंगे, जहां कम से कम आता है तो वहां हमें सीधा लगतम समापवर्त ज्ञात करना पड़ता है उन संख्याओं का। तो एक टोकरी में 18, 40 और 48 फूलों की मालाएं हैं, बन सकती हैं, हमें क्या करना है, जो 18, 40 और 48 दिया है इसका हमें लगतम समापवर्त निकाल लेने हैं। लगतम समापवर्त निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये संख्याएं आप देख रहे हैं, यहाँ हमने संख्याएं नोट कर ली 18 40 और 48, इनके लिए हमें डिवाइड करना है। सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या से लेकर चलते हैं 2 से डिवाइड होती तो करते हैं, नहीं तो हम 3 देखेंगे, 3 से नहीं तो 5 देखेंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ केवल आपके 2 से सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 18 को करेंगे 2 × 18 हो जाएगा, और 40 के लिए करेंगे तो 20 आ जाएगा, 48 के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब फिर हम 2 से करते हैं क्योंकि 2 से अभी डिवाइड होगा, तो 9 तो होगा नहीं, जो संख्या डिवाइड नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, और जो होती है उसके लिए विभाजित कर देते हैं। 2 से 20 में पढ़ेंगे तो 10 बार आ जाएगा, 24 में पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि 10 और 12 जो है 2 से संख्याएं जब तक विभाजित होती रहती हैं, हम 2 से करते रहते हैं, 9 तो हम ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 से 10 जब विभाजित करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर 2 से करेंगे क्योंकि हमारा 9 और 5 नहीं होगा लेकिन 6 तो हो जाएगा, 9 ऐसे हम उतारेंगे, 5 ऐसे उतार लेंगे। अब 6 में जब पहाड़ा पड़ेंगे 2 का तो 2 3 6 आ जाएगा। 3 का टेबल हम फिर पढ़ते हैं इन्हीं संख्याओं में, तो अब 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 2 से कटने वाली कोई संख्या इसमें रही नहीं। 3 से हम देखते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, 5 उतार लेंगे और 3 1 3 हो जाएगा। अब हम क्या करना है, 3 से फिर काटना है, 3 से फिर डिवाइड करना है, तो 3 से 3 कटेगा, 3 1 3 5 हम ऐसे ही लिखते हैं और 1 ऐसे लिखेंगे। अब हमारा कितना रह जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 रह जाता है, तो 5 तो 5 से ही हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से एक बार डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 आ जाएगा। अर्थात जब तक यहाँ 1 1 नहीं आ जाता है तब तक हम संख्याओं को डिवाइड करते रहते हैं। अब हमें क्या करना है, जो आप डिवाइड हमने करिए ये वाली संख्या आप देख रहे हैं ये वाली, इसके लिए हम यहाँ लिख के इनकी मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेते हैं। ये संख्याएं हमने यहाँ पर नोट कर ली, 2
दो 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 तीन तीन पाँच, ठीक है। इसकी जब हम मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 720 आंसर आ जाएगा। उसमें कितने फूल हो सकते हैं टोकरी में, 720 फूल थे और इन्हीं से कम जो है इतनी मालाएं बन सकती हैं। तो ये आंसर था इस सवाल का। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर इसका है पांचवा, काखंड देख लेते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, जो आपकी दी हुई है, क्या दिया है, यानी 2 सही 3/5 दिया है, ठीक है। इसके लिए सीधा हम कैसे लिख लेंगे, 5 की हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिश्रभिन्न कहलाती है। तो 5 10 और 3 ये हम प्लस कर देंगे, 10 3 13/5 हो जाएगा। तो हम 13/5 यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद 5/26 हमारी सही है, तो हम 5/26 यहाँ लिख लेंगे। बीच में हमारा गुणा का जो क्रॉस है, गुणा का निशान है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो नीचे की संख्याएं होती हैं उन संख्याओं से हम ऊपर वाली संख्याएं जो होती हैं उनके लिए डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अब यहाँ 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ये आपका डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया, 5 एकम 5 5 एकम 5। अब 13 रह गया, तो 13 एकम 13 और 13 2 26। आप देख रहे हैं ऊपर आपका क्या रह जाता है, एक ये रह जाएगा, एक ये, एक और एक भी आप गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। और नीचे आप देखेंगे तो 5 तो ये कट गया और 26 की जगह पर कितना बच रहा है, 2, ठीक है। तो हम 2 लिख देंगे, आपका आंसर जो आ जाएगा वो 1/2 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसका अगला खंड देख लेते हैं, खाखंड देख लेते हैं। खा में क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या है, हमें गुणा दी हुई है और हमारे पास जो है 3 जो है इसके जो भिन्न दी हुई है। पहली भिन्न आप देख रहे हैं 10 सही 5/6 है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इस बारे 6 से 10 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 6 दें 60 हो जाएगा। फिर हम 5 इसमें जोड़ देंगे, 65/6 हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। दूसरी भिन्न आप देखेंगे तो 1 सही 1/5 है, तो 5 और 1 की जब गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 1 ही जोड़ देंगे, तो 6/5 आपका ये आ जाएगा। फिर गुणा आपकी 5/7 जो लास्ट वाली भिन्न आप देख रहे हैं, ये वाली, ये तो है ही यहाँ पर लिखी हुई, तो हम 5/7 हम लिख लेंगे। अब हम क्या करना है, हम देखेंगे यहीं पे कि हमारे जो अंश हैं ऊपर वाले इसमें क्या कहलाते हैं, अंश कहलाते हैं, नीचे वाले हर कहलाते हैं। कोई भी अंश से कोई भी हर डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ठीक है, विभाजित तो नहीं हो रहा है, तो देख लेते हैं। तो ये 5 आप देख रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 ये कट गया, 6 एकम 6 और 6 एकम 6। 7 से हमारा 65 नहीं कटेगा, तो ऊपर आप देख रहे हैं ये 65 रह जाता है, 1 रह जाता है और 1 रह जाता है। तो हमें क्या करना है, गुणा का निशान हमें बीच में लगा हुआ है, तो हमें गुणा करनी है। तो 65 और 1 की जब गुणा करेंगे तो 65 एकम 65, फिर 1 की करेंगे तो 65 एकम 65, अर्थात जो हमारा अंश आएगा वो 65 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 7 रह जाता है और 1 ये रह जाता है, 1 ये रह जाता है। इसकी आपस में जो गुणा करेंगे, 1 एकम 1 1 7 7, अर्थात 65/70 इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं इसका गाखंड। गाखंड में देखेंगे तो आपका दिया गया है कि 28/25, ठीक है, 28/25 है। दूसरा वाला 7/5 है, बीच में हमारा जो निशान है वो है भाग का। हमें 7/5 से 28/25 के लिए भाग देना है, विभाजित करना है। क्या करते हैं इस ऐसे सवालों में, यदि भिन्नों की भाग हो तो हमें क्या करना पड़ता है, जो पहला आपका पद होता है, ध्यान से सुनेंगे, जो पहला पद होता है उसके लिए हम ऐसे ही यहाँ अंकित कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब जब भाग का निशान यही आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो भाग का निशान है इसकी जगह पे हम गुणा का निशान लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। उसके बाद जो सेकंड आपकी भिन्न रह जाती है ये वाली, इसके लिए हम पलट देते हैं। तो ये 7/5 आप देख रहे हैं, इसके लिए हम जब यहाँ लिखेंगे तो ये 5/7 यानी 5 जो आपका इसमें संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ हर में है, तो यहाँ पर अंश में चला जाएगा, और ये 7 जो यहाँ पर अंश में है, ठीक है, ये वाला अंश में है, तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, हर में चला जाएगा। इस तरह से हम ये भिन्न की जो भाग होती है उसको हम कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, देख लेने हैं, कोई अंश से हर डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे 5 से आपका क्या डिवाइड हो रहा है, 5/25, ठीक है, 5/25, 7 एकम 7, 7 2 14 7 3 21 7 4 28, ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ आपका 1 रह जाता है, तो ऊपर आपके 4 और 1 रह जाते हैं, 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 आपका आ जाएगा। नीचे आप देख रहे हैं ये 5 आपका रह गया और 1 ये रह गया, तो 5 एकम 5 इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4/5 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल।
सवाल नंबर है आपका 6। यहाँ देखेंगे, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलने हैं। पहली भिन्न आप देख रहे हैं 7/7 आपकी है, कितनी है 7/10। ठीक है, किसी भी संख्या के लिए 10 से भाग देते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वो संख्या लिखते हैं, उसके बाद इकाई की तरफ से गिनेंगे तो एक के बाद दशमलव लगा देंगे। इकाई यहाँ केवल 7 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर ये 7/7 हो जाएगा 10 से डिवाइड भाग करने पर। इसी प्रकार आप देखेंगे तो 29/10 है, 29/10 है, इसके लिए क्या करेंगे 29 हम संख्या ऐसी नोट कर लेंगे और इकाई की तरफ से अंक गिनेंगे 1, 10 है तब 1 गिनते हैं तो 1 हमें 9, 9 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 2/9 आपका 9 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 31/ आपका है कितना 10। ठीक है, 31/ कितना है 10 है यहाँ पे, तो 31 संख्या हम ऐसी लिख लेंगे, अब 10 है तो 1 के बाद दशमलव लगाना है, इकाई की तरफ से हम चलेंगे तो इकाई 2.5। ठीक है, इकाई 1 है तो 1 के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे, 3.1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 43/ आप देख रहे हैं कितने हैं 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो संख्या हमें यहाँ पर दी है वो हमें लिख लेने हैं 43। ठीक है, कितनी है 43 है। अब हमें दशमलव कहाँ लगाना है, तो जितने भी शून्य होते हैं, मान लो 3 शून्य हैं तो हम यहाँ पर जो है 3 संख्या के बाद ही शून्य दशमलव लगा सकते हैं। अब आपका 43 है, एक संख्या ये है 3, इकाई 2.5 पे 4 है, हमें चाहिए 3 संख्या, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर हम शून्य जो है बढ़ा लेते हैं। अब हमारे कितने अंक हो गए यहाँ पे 1, 2, 3, 3 अंक हो जाते हैं तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। इस तरह से ये आपकी भाग हो जाएगी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर इसका नेक्स्ट 7 भाग। इसमें ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलो। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका काखंड दिया गया है, क्या है काखंड में 10.2। ठीक है, भिन्न को बदलने के लिए क्या करते हैं, ये 10.2 हटा देते हैं और इसके नीचे 1 अंकित कर देते हैं और इतने भी 10.2 के बाद जो भी अंक होते हैं उतने ही हम नीचे शून्य लगा देते हैं। जैसे यहाँ 10.2 था, 10.2 के बाद कितना था 2 था, 1 अंक है तो 1 ही शून्य यहाँ पर अंकित करेंगे। आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2/10 आ जाएगा, या फिर 2 × 2 और 2×5 = 10, अर्थात 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम देख लेंगे सवाल नंबर इसका खाखंड देखेंगे 0.05। ठीक है, लाइन हमने खींची, 10.5 बढ़ा दिया, इसके नीचे हमें 1 लिख दिया और यहाँ 2 अंक देख रहे हैं आप। ठीक है, इस वाले शून्य से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, इसकी कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। 0.5 को देखेंगे 2 अंक हम यहाँ पर जो है 2 शून्य यहाँ बढ़ा देंगे, अर्थात अब हमारा जो रह जाएगा 10.5 चला गया ऊपर, अब इस शून्य की कोई वैल्यू नहीं रही, इस वाले शून्य की केवल 5/ कितना हो जाएगा 5/100। हम 5 से 100 काट सकते हैं, 5 × 5 और 5 × 10 यानी 20, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1/20 आंसर इसका आ जाएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, गाखंड। गाखंड में 10.5 लगा देंगे, शून्य को छोड़ देंगे पहले, 6, 2, 5 लाइन खींचेंगे और 10.5 यहाँ उड़ा देंगे, इसके बाद हमें 1 लिखेंगे और कितने अंक हैं 1, 2, 3 अंक हैं, 3 हम यहाँ पर शून्य बढ़ा देंगे। अब इतना आंसर आ जाएगा कितना 625/1000। ठीक है, इसके लिए 5 से हम काट सकते हैं, 5 × 10 = 200 हो जाएगा और 5 × 5 बचेगा 1, 5 × 10 = 25। ठीक है, 125/200 हो जाता है, फिर हम इसके लिए 5 से काट सकते हैं तो 125 हम यहाँ लिख लेते हैं, 125/200, इसको जब काटेंगे 5 से 5 = 20 = 16 और 5 × 10 = 25, 25 × 25 = 25, 5 से प्रकट जाएगा 5 × 25 और 5 × 8 = 40, अर्थात आपका जो आंसर आ जाएगा 5/8 आंसर इसका आ जाएगा। इस तरह से हम ये सभी सवाल हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर इसका 8, कह रहे हैं काखंड है ये 10.023 × 100, इसको हल करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, गुणा करने हैं। गुणा जब हम करते हैं तो यदि 10.5 यहाँ लगा हुआ है, क्या करेंगे 10.5 लगा हुआ है, गुणा करने पर 100 से, अब हम गुणा करेंगे तो गुणा का नियम क्या होता है, हम किसी में 100 से गुणा करते हैं तो उसके आगे क्या होता है, शून्य बढ़ जाता है, 2 शून्य बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 शून्य बढ़ जाएंगे, ये गुणा हो जाएगी,
अब हमारा दशमलव यहाँ अभी कहाँ लगा था, एक दो तीन अंकों के बाद लगा था, गिनेंगे एक दो तीन अंकों के बाद लगा था। अब हम यहाँ से गिन लेंगे एक दो तीन अंक, तो यहाँ दशमलव लगेगा जाके, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा 02.3000, ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर इसका नेक्स्ट देख लेंगे, खाखंड देखेंगे, ये है 1.541, गुणा कितना है 1000। क्या करना है, दशमलव अभी हम हटा देंगे, इनकी गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, संख्या जो होती है जिस संख्या में हम गुणा करते हैं वो ऐसे हम नोट कर लेंगे, और कितने शून्य हैं इस हज़ार में, तीन है, तो तीन शून्य यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारा दशमलव कहाँ लगा हुआ है ये देख लेंगे, एक अंक ये है दो तीन अंकों के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ से तीन अंक गिनेंगे एक दो तीन, ठीक है, दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा जाके, आपका जो आंसर आ जाएगा दशमलव के बाद ये शून्य है, ये तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, अर्थात सीधा आंसर आपका आ जाएगा 1541, यानी 1541 आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे सवाल नंबर इसका 9, एक दुकानदार को 500 रुपए की लागत पर 8% का लाभ हुआ, उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ हानि का सवाल है, तो हमें क्या करना है, 500 रुपए की लागत, उसने 500 रुपए बेच दिए या कुछ भी सामान खरीदा और बेचा उसके लिए, तो उसे कितना परसेंट लाभ हुआ, उसको हुआ 8% लाभ। अब ये पूछ रहे हैं उसे कुल कितने रुपए लाभ हुआ है, हमें रुपए में बताना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ जो 500 रुपए हैं उनका हमें 8% निकाल लेने हैं, अर्थात 500 का 8% कितना होगा वो हमें मालूम पड़ जाए तो वो ही हमारा लाभ हो जाएगा। तो हम परसेंटेज निकालते कैसे, लाभ निकालते कैसे हैं यदि प्रतिशत दिया है, तो क्या करेंगे, 500 × 8, ये लिखा हुआ है 500 × 8/100 से भाग कर देते हैं, ठीक है, ये वाली जो है सूत्र होता है इसका, लाभ परसेंटेज में दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 100 ये दो शून्य से कट जाएंगे, यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ 8 रह जाएंगे, तो कितना आएगा, 5×8 = 40, 40 रुपये इसमें लाभ होगा। इसके बाद सवाल नंबर इसका देख लेते हैं नेक्स्ट 10वां, ये कह रहे हैं कि 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत करना है, 3/4 दिया हुआ है, ये दिया है 3/4, इसके लिए प्रतिशत में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिशत बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करनी पड़ती है और 100 से ही भाग करनी पड़ती है। तो अब क्या करेंगे हम, ये तो 100 हम ऐसे ही रहने देंगे, और ये वाले जो है 4 से हम क्या करेंगे, ये 100 काट देंगे, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, अर्थात 3 × 25 की जब हम गुणा करेंगे तो 75%, ठीक है, 75% आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल हम हल कर लेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर इसका नेक्स्ट 11वां, यहाँ सारणी बनी हुई है, तो रिक्त स्थान में पूर्ति करने हैं, यहाँ कह रहे हैं कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य वो होता है जिससे हम कोई सामान खरीदते हैं, वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है, जैसे 1200 रुपये 1200 रुपये क्रय मूल्य था, और वही सामान जब हम बेच रहे हैं तो हमारा विक्रय मूल्य कितना था, 1290 रुपये, कोई भी सामान हमने 1200 रुपये में खरीदा, 1200 रुपये में खरीदा और 1290 में बेच दिया, तो करेंगे लाभ हुई या हानि हुई, तो आप देख रहे हैं क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य है, जब क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य होता है तो वहाँ हमें लाभ होता है सीधा, कितना लाभ है वो हम देख लेते हैं, यहाँ 1200 का हमने सामान खरीदा और 1290 का बेच दिया, तो कितना दोनों में अंतर है, यहाँ आप देखेंगे तो 90 रुपये का अंतर है, अर्थात 90 रुपये का इन्हें जो है यहाँ पर लाभ हुआ। इसी प्रकार खाखंड देखेंगे, क्रय मूल्य 500 रुपया है और लाभ इन्हें 80 रुपया है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम विक्रय मूल्य में क्या होता है, क्रय मूल्य और प्लस लाभ, तो 80 रुपये जोड़ देंगे इसमें, आपका जो है 580 रुपया आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 580 रुपया आ जाएगा। इसी प्रकार गाखंड देख लेंगे, यहाँ कह रहे हैं कि 12818 आपका क्या था, विक्रय मूल्य है, और इनके लिए हानि हो गई इतनी, ठीक है, 182 रुपया की हानि होगी 12818 में सामान बेचने पर, तो इनका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 12818 का इनने सामान बेचा, ठीक है,
अब इन्हें हानि कितने की हुई, 182 की हुई, तो 182 यहाँ पर जोड़ देंगे किसमें, किराए मूल्य में, तभी तो विक्रय मूल्य निकलेगा जब हानि हुई है। तो ये जब जोड़ेंगे तो 8 × 2 = 10 हो जाएगा, और 1 × 2 = 10 + 1 = 9 + 10 = 3, यानी ये आप देख रहे हैं 13,000 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये सारणी हम फिल कर देंगे। इसका सवाल नंबर इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ₹750 का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं साधारण ब्याज बराबर होता है, सूत्र है ये, नोट कर लेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन दर समय बटे कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं 750 हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है, दर कितनी है 5% है, और समय कितना है 3 वर्ष, और बटे हम 100 यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद देख लेते हैं इसको जब हल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है, इसकी हम जब 75 और 3 गुणा करेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 11,205, ये वाला, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा बटे 10 है। जब 10 से हम भाग देंगे तो क्या करना है हमें, 11,2 एक के बाद दशमलव लगा देना है केवल 5, ठीक है, ये 50 पैसा माने जाएंगे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा ₹112.50 इसका जो है साधारण ब्याज निकलेगा। अब देखते हैं सवाल नंबर इसका नेक्स्ट, सरल करना है, 13वां सवाल है ये, देख लेते हैं। काखंड देखेंगे पहले यहाँ पे, ये कह रहे हैं हमें क्या करना है, यहाँ जोड़ना है। काखंड देख लेते हैं, जोड़ना है 112.48 और जोड़ना कितना है 72.84, इसको जोड़ लेंगे, बहुत सरल सवाल है। 8 इधर से जोड़ते हैं इकाई तरफ से, 8×4 = 12 हासिल 1 लगेगा यहाँ पे, 1×4 = 5, 8×13 हासिल 1 लगेगा, यहाँ दशमलव की जो है सीध में दशमलव लगा देंगे, 1, 2, 3, 5 लग जाएगा, और यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ इतना आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरह से हम इसे घटा देंगे और इसके लिए गुणा कर लेंगे और इसके लिए भाग कर लेंगे, विद्यार्थी स्वयं कर लें। अब इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट सवाल, 15वां सवाल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 15 पुस्तकों का मूल 85.50 है, ऐसी ही 37 पुस्तकों का मूल कितना होगा, ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, पहले हमें एक पुस्तक का मूल निकालना है, ठीक है, तो 15 पुस्तकों का मूल कितना है, तो हमें क्या करना है, 15 से क्या कर देने हैं, भाग कर देने हैं, किसके लिए, 85.50 के लिए, इसको हमें क्या कर देने हैं, वो भाग कर देने हैं। अब हमें क्या करेंगे, जहाँ ऐसे भाग कर देते हैं, यहाँ 15 लिखेंगे बटे में, और ये दशमलव यहाँ से हटा देंगे, 2 शून्य यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है, ये हटा देते हैं, ये आपका कट जाएगा, 5 से हम काटेंगे तो 5×3 = 15 और 0, 5×5 और 5×5 = 35, 5×1 = 71 आ जाएगा। इस तरह से ये 171/30 हो जाएगा। अब हम क्या करना है, ये 3 से देख लेते हैं कट जाएगा नहीं कटेगा, 3×4 = 12, 3×5 = 15, ठीक है, 3×2 = 30 हो जाएगा यहाँ पे, और 3×5 = 15 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेंगे 17 में से, 1 उतारेंगे 21, 3×7 = 21, तो एक आपका ये रह जाता है आपका 10, 57/10 यहाँ लिख लेंगे, 57/10, तो इसको हम कितना लिखेंगे, 1 10 से जब भाग देंगे तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, 5.7, ये आंसर आ जाएगा 5.7। एक किताब का मूल है कितना निकाल लिया हमने, 5.7 एक किताब का मूल आ जाता है। अब हमें कितने 37 किताबें लेने हैं, तो 37 किताबों का मूल हमें ज्ञात करना है, तो 37×5.7 जब हम आंसर इसका निकाल लेते हैं, तो 7 से गुणा करते हैं, 7×7 कितना आ जाएगा, 49×9 लगेंगे 4×7 = 21 और 4×25, इसी प्रकार 5×5 = 35 और 5×3 = 15 और 3×18, ये आपका आ जाएगा। ये हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 9, 5×5 = 16 हासिल 1, 3×8 = 11 हासिल 2, यहाँ आप 1 के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, तो 210 रुपये आपका, 210 रुपये 90 पैसे इसको मान लीजिए आप,
ये वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, 210 रुपये 90 पैसे।